सेमेस्टर थ्री में जो आपका पेपर है सेक थ्री, और ये सेक थ्री पेपर CBCS वालों के लिए, ये सेक वन पेपर है। सिलेबस दोनों का लगभग सेम है, कुछ यूनिट जो है आई थिंक वन यूनिट ही सिर्फ आप लोगों का जो है चेंज है, बाकी सारा का सारा सिलेबस आप लोगों का सेम है। अगर सेमेस्टर थ्री न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाले स्टूडेंट का वो सेक थ्री पेपर है जिसका मार्क्स 75 का आएगा एग्ज़ाम, और जो CBCS वाले लोग हैं उनका जो पेपर सेक वन है और ये 100 मार्क्स का आएगा। ये आप अपना जो है इसको क्लियर कर लें विज़न को और देखें, और इसी तरीके से इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें, प्रिपरेशन करें, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको मैं सीरीज़ जो शुरू करने जा रहा हूँ वो एक्सेल से रिलेटेड है, चूँकि आपका एक यूनिट है MS Office। MS Office में आपको तीन चीज़ें पढ़नी होंगी, वर्ड है आपका, दूसरा एक्सेल है, और तीसरा पावर पॉइंट है। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको हम सैम्पल क्वेश्चन भी दिखाएंगे किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो पहले हम आज थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देते हैं ये होता क्या है। जब तक आप इसकी बेसिक कंसेप्ट को नहीं जानेंगे आप जो है इसकी ऑब्जेक्टिव को MCQs को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो लोग जानते हैं उनके लिए भी सही है और वो आप फर्दर मूव कर सकते हैं, लेकिन जिनको बेसिक नहीं पता है वो उनके लिए वीडियो ख़ास है। तो सबसे पहले हम एक्सेल के बारे देखते हैं कि एक्सेल होता क्या है। तो ये एक्सेल की डेफिनेशन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ पावरफुल स्प्रेडशीट, यानी एक्सेल का दूसरा नाम क्या है, स्प्रेडशीट है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। और यूज़ किस लिए किया जाता है, यूज्ड फॉर डेटा ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन, यानी सारा का सारा काम यहाँ पे डेटा के ऊपर काम है, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, डेटा को विजुअलाइज करना, डेटा को अरेंज करना, डेटा के साथ ऑपरेशन करना, ये सारा का सारा काम एक्सेल में यूज़ किया जाता है। इट अलाउज़ यू टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट ग्रेड्स ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स एंड फार्मूलाज, मेकिंग इट वर्सटाइल टूल फॉर वेरियस टास्क फ्राम सिंपल कैलकुलेशन टू कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मॉडल्स। ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन की समरी ये है कि एक्सेल एक ऐसा पावरफुल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जिसमें हम डेटा के साथ बहुत सारा काम कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, इवन बहुत स्मॉल या सिंपल कैलकुलेट के साथ साथ हम बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो जितना भी बिजनेस वर्ल्ड में अगर डेटा से रिलेटेड चीज़ें होती हैं तो मैक्सिमम लोग एक्सेल सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, क्योंकि एक्सेल सॉफ्टवेयर डेटा को कैलकुलेट करके बहुत ही एफिशिएंट वे में हमें रिजल्ट प्रोवाइड करती है। अब इसी का हिंदी वर्जन भी देख लें आपके लिए, जो हिंदी स्टूडेंट के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सारे चीज़ें हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा लोकप्रिय स्प्रेडशीट सिस्टम है जो कॉलम और रोज में किसी भी डाटा को व्यवस्थित करता है। यानी हम यहाँ अभी एक्सेल आपको दिखाएंगे तो एक्सेल का जो स्प्रेडशीट या जो शीट होता है वो इस तरीके से होता है, और ये सब इसी में हम डेटा डालते हैं, जितने भी यहाँ पर आपको दिख रहा सेल इसमें हम डेटा को डालते हैं, जिसमें विभिन्न फार्मूलों को माध्यम से डाटा डाला और सेट किया जा सकता है। MS Excel क्या है समझने से पहले उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी जमा कर ले, यानी कि यहाँ देखें कि MS Excel स्प्रेडशीट प्रोग्राम में कोई भी टेबल के रूप में डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। MS Excel स्प्रेडशीट में डाटा का विश्लेषण करना आसान है, यानी एनालाइज करना आसान है। 1985 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन को माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा लॉन्च किया गया था, यानी ये MS Excel किसका प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है, और ये कब लॉन्च किया गया था, 1985 में। तो ये बेसिक डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन के बाद हम देखते हैं कि इसमें एक्सेल की कंपोनेंट्स क्या, यानी जब हम एक्सेल को खोलेंगे तो कौन कौन चीज़ क्या क्या कहलाएगी और किसका किसका क्या काम होगा, अभी आपको हम लाइव करके दिखाते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो गया, तो डेफिनेशन के बाद हम सबसे पहले देखते हैं वर्कबुक क्या होता है, ठीक है। तो वर्कबुक मतलब क्या है, आप देखेंगे द एंटायर एक्सेल फाइल कंटेनिंग वन और मोर शीट्स, यानी जो एक्सेल का फाइल होगा उसी को हम क्या कहेंगे, वर्कबुक कहेंगे, और इस वर्कबुक में एक से ज़्यादा शीट्स होंगे। अभी शीट्स भी क्या है वो भी आपको हम दिखाएंगे, शीट्स क्या है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे वर्कशीट क्या है, वर्कशीट जहाँ पे हम काम करते हैं, जिस तरीके से MS Word में आपके सामने पेज है, जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये MS Word ही ओपन हमारे सिस्टम में है, और यहाँ हमारे पास पेज है जिसमें हम काम कर रहे हैं, काम मतलब जिसमें हम लिख रहे हैं और आप इसको देख के समझ रहे हैं। तो एक्सेल में उसको हम पेज ना कह के उसको हम एक्सेल में क्या कहेंगे, शीट कहेंगे या वर्कशीट कहेंगे, ठीक है।
तो ये वर्कशीट भी हो गया। उसके बाद आप देखें तीसरा नंबर पे, ये दो नंबर हो गया, तीसरा नंबर पे आप देखेंगे सेल्स किसको कहते हैं, द इंडिविजुअल बॉक्स इन वर्कशीट वेयर यू इंटर डेटा। यानी अभी हमने आपको दिखाया था इस तरीके से, तो ये जो इंडिविजुअल बॉक्स होता है ना, ये सब सेल कहलाता है। सेल की दूसरी डेफिनेशन ये भी है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम, दोनों के मिलान से क्या बनता है, सेल बनता है। जैसे यहाँ देखिए, ये रो है, ये आपको रो दिखा, अब ये यहाँ से हम कॉलम बना, जैसे कॉलम बन रहा है तो आपको सेल बनते जा रहा है ना, ये वन सेल, टू सेल, थ्री सेल, इस तरीके से सेल में ही डेटा को डाला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रेंज क्या होता है। रेंज चूँकि यहाँ पर हम सेल पर ही पूरा फोकस करते हैं, सेल पर ही काम करते हैं, तो सपोज़ हमको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना है तो ये हमारा रेंज कहलाएगा। अभी आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद रोज़ जो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, जैसे मैंने अभी आपको देखा है, ये क्या कहलाता है, रो कहलाता है, ठीक है। तो इसको हम रो कहते हैं, और रो जो नंबरिंग होता है वन से, वन टू थ्री, इस तरीके से। कॉलम जो होता है वर्टिकल लाइन होता है, कॉलम किस तरीके से करेंगे, ये सब कॉलम है, और कॉलम को दिखाते हैं किस तरीके से, ए बी सी डी, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रिबन क्या होता है। तो सबसे एक्सेल जब खोलेंगे तो टॉप में जितने भी जो टूल बार्स अवेलेबल होते हैं उसको हम टैब के द्वारा देखते हैं, जैसे होम, इंसर्ट, उस सारे को क्या कहते हैं, हम रिबन कहते हैं। फार्मूला बार जो होता है, जहाँ पे हम फार्मूला को लिखते हैं, डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल एंड लेट्स यू एडिट इट। यानी हाँ, अगर हमें कोई फार्मूला लिखना होगा तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, फार्मूला बार पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं नेम बॉक्स क्या है, जो सेल को हम रेफरेंस देंगे उसको नेम बॉक्स उसको दिखाएंगे। ग्रिड लाइन क्या है, सेल रेफरेंस, वर्कबुक, टैब्स, स्क्रॉल बार्स। चलिए ये सारी चीज़ें जो आपको हम एक्सेल में ही दिखा देते हैं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, अब आप स्क्रीन पे आपके सामने एक्सेल खुला हुआ, ये एक्सेल खुला हुआ है, ये सारा इन्वायरमेंट जो है एक्सेल का है, और अभी हम जो चीज़ें आपको बता रहे थे यहीं से आपको दिखा रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये वर्कबुक है पूरा, तो वर्कबुक में आप देखेंगे यहाँ सारी चीज़ें जिस पे एक से ज़्यादा शीट होगा, ठीक है। तो ये सब हम देखेंगे यहाँ पे कि सपोज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ सबसे पहले देखें शीट वन है, यानी ये जो है आप जहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ माउस से, ये सेल कहलाता है। ये देखें, ये जो है रो है, रो को हमने आपको बताया नंबरिंग से शुरू होता है, वन टू, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ तो आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये देखें, ये यहाँ पे है, ये रो है, ये दूसरा रो है, तीसरा रो है, चौथा रो है, तो इस तरीके से रो को नंबरिंग करते हैं वन टू से, और ये हमारा कॉलम है ए बी सी डी ई एफ जी, तो ये सारी चीज़ें कॉलम है, ठीक है। अब हम जो डेटा डालेंगे वो हम सेल में डालेंगे। सपोज़ मैं यहाँ पे डेटा डालता हूँ कि मैं यहाँ पे कंप्यूटर में टाइप करता हूँ, तो ये हमारा डेटा कहाँ जाएगा, सेल में जाएगा। अगर मैं इसमें और ज़्यादा टाइप करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये सेल के बाहर नहीं जा सकता है। देखिए एक सेल में ही आएगा, या देखें ये एक ही सेल है, ये दूसरा सेल है, इसको हम बड़ा करेंगे तो आप देखें यहाँ पे ये एक सेल में ही यहाँ पे आपका जो है कंटेंट दिख रहा है, ठीक है। तो खैर, इसको अगले वीडियो में बताएं कैसे एडिट करते हैं, कैसे डालते हैं। फिलहाल अभी जो चीज़ें हमने आपको थ्योरी में बताएं वो चीज़ को मैं पहले समझा दूं। अब ये चीज़ें हैं कि यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये शीट है, शीट को हम चाहे यहाँ से ऐड कर सकते हैं, शीट टू हो गया ऐड कर सकते हैं, शीट थ्री हो गया, तो जिस शीट में काम करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। सपोज़ हमने यहाँ पर क्लिक काम किया, फिर दूसरे शीट पर जाना चाहते हो यहाँ क्लिक करेंगे, शीट पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, जिस शीट पर हम काम करना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करके हम जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ना, ये रिबन कहलाता है। अभी हमने आपको बताया ना रिबन, जैसे ये देखें आप, ये तो फाइल मेनू हो गया, ये होम का रिबन है, या टैब कह लें, या फिर इंसर्ट का रिबन है। यानी रिबन के अंदर क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें रिबन जो है इसके अंदर टूल्स कंटेंट है, यानी जो फंक्शन से जो आपने काम करना है वो सारे फंक्शन इस टैब के अंदर, इंसर्ट टैब के अंदर, पेज लेआउट के अंदर, फार्मूलाज के अंदर क्या है, डेटास के अंदर क्या है, तो ये सारी चीज़ों को हम रिबन ही शो करते हैं, रिबन दिखाते हैं, ठीक है। ये हो गया एक चीज़। अब हम देखते हैं कि रिबन हो गया, वर्कबुक हो गया, वर्कशीट हो गया, सेल रेफरेंस क्या, जैसे अगर हम देखेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो ये सेल का नाम क्या हुआ, आप देखें यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे पहले वैल्यू डालता हूँ 45 मैंने डाला, उसके बाद मैं 67 डालता हूँ, कुछ भी वैल्यू देखता हूँ मैं, तो यहाँ पर देखें आप, अगर मैं यहाँ पर सेल को लिखना चाहता हूँ, सेल का रेंज देखें आप, सेल में सम लिखता हूँ, तो यहाँ से देखें,
अब आप देखें, यहाँ फोकस करें, सबसे पहले क्या डी थ्री है, तो यहाँ से देखें डी और ये वाला थ्री, ये पहला सेल का ये जो है एड्रेस है, पहला सेल का यहाँ जहाँ से सेलेक्ट है। डी थ्री से लेके कहाँ तक आया, डी फाइव तक आया है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सेल रेंज है, सेलेक्ट हो गया। इसको अगर हम ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर देंगे तो ये सब निकल जाएगा, बट हमारा आज का वीडियो का ये नहीं है टॉपिक कि आपको हम फार्मूला बताएंगे, ये दूसरे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कैसे कैसे फार्मूला यूज़ करके बनाते हैं, ठीक है। और ये देखें आप, ये जो आपका फार्मूला बार, अभी हमने आपको दिखाया फार्मूला बॉक्स क्या होता है, जैसे यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखें ये फार्मूला बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला आप लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे हम यहाँ से इसको पहले सेलेक्ट कर दें, इसको डिलीट करता हूँ मैं। अब जैसे यहाँ पे एक्सेल में और क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे अगर आप वन लिखते हैं और टू लिखते हैं, ठीक है ना, अब आप चाहते हैं कि सारा नंबरिंग आपका बिना लिखा आ जाए, तो आप दोनों को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से इसको पकड़ के इसको इस तरीके से नीचे ले जाइएगा तो ऑटोमेटिकली ये नंबर जनरेट हो जाता है, ठीक है। उस तरीके से अगर आप यहाँ डे लिखना चाहते हैं, सपोज आपने संडे लिखा, उसके बाद आपने मंडे लिखा, तो इसको इस तरीके से फिर आप यहाँ लाके ये आप यहाँ तक सैटरडे तक ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। आप लिखना चाहते हैं जनवरी, शॉर्ट में ही मैं लिख रहा हूँ, जनवरी फेब्रवरी, तो इस तरीके से लिखने के बाद जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपका जो पूरा महीना का जो है, ये एक और बाकी रह गया दिसंबर, तो ये सारी चीज़ें आपका ऑटोमेटिकली हो सकती हैं। इवन कुछ आप गैप करके भी दे सकते हैं, सपोज़ आपने लिया इवन नंबर 2, 4 आपने लिया, अब चाहते हैं कि इसकी जो लिस्टिंग हो वो दो दो नंबर का गैप हो, तो देखें आप यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, ये तो ये सारे चीज़ एक्सेल में ऑटोमेटिकली आपको प्रोवाइड करती है। ये प्री डिफाइंड फंक्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, आपको बस जानना है यूज़ कैसे करना है। इतना आप जान के रहिए कि एक्सेल जो है आपका, एक्सेल है ये ज़्यादा से ज़्यादा डेटा पे फोकस करता है और डेटा को एनालाइज करता है, डेटा को कैलकुलेट करता है, मैनिपुलेट करता है और डिफरेंट वे में ऑर्गेनाइज करके आपको देता है। अगर हमें स्टूडेंट का मार्कशीट बनाना है तो सबसे बेहतर आपके लिए एक्सेल ही शीट है, यहाँ एक्सेल पे ही काम कर सकते हैं। कंपनी का जो और बिल बनाना है, अपने दुकान का कोई भी बिल बना, तो सारी चीज़ें यहाँ पे है, डेटा भी डाल सकते हैं और वो सारे वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट करके यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें ना, यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, सपोज़ 2-3 वैल्यू को मैं यहाँ ऐड करता हूँ, ठीक है, और ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं सम कर देता हूँ, हालांकि सम अभी बताएंगे आपको बाद में। ये मैं तीनों वैल्यू को यहाँ पे सम किया, इसकी रेंज को मैं इस तरीके से ले लिया और यहाँ इंटर करके प्रेस कर दिया, तो ये हमारा सम हो गया। इसको थोड़ा मैं हाईलाइट कर दूँ चूँकि ये सम है। अब मैं अगर यहाँ पे चेंज करता हूँ तो आप देखेंगे, फोकस कीजिएगा, सम में भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे बढ़ाता हूँ तो सम में भी यहाँ पे चेंज हो रहा, तो चूंकि ये एक बार फार्मूला लिखा गया, अब इस रेंज में हम कुछ भी डालेंगे तो वो उसका इफ़ेक्ट, उसका असर कहाँ पे आएगा, जहाँ पर हमने फार्मूला लिखा इस सेल रेंज का। तो ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना, स्टेप वाइज मैं बता रहा हूँ, आपको समझना है और इसको अच्छे से बनाना है ताकि आपको जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी हो जाए, और साथ में अगर आप कल होके कहीं पे जॉब करते हैं, इसको एक्सेल को यूज़ करते हैं, तो आपके लिए ये बहुत काम आने वाला चीज़ है। आई होप कि आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है और फिर हम नेक्स्ट डे फिर और इसमें से बहुत सारी चीज़ को लेकर आते हैं ताकि आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाए।